तो जी वन से जी सेवन तक यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। Assalamualaikum, this is me Arif Juneja और एक बार फिर से एक न्यू रेस्टोरेंट के रिव्यू के साथ कबाब जी रेस्टोरेंट में आज हम आए हैं, देखेंगे कि कैसा बना है। जी 1 से जी 7 तक यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो जी 5 से आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आपको काउंटर से टेबल टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद ही आप सीट पे बैठ सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया में बैठे हैं क्योंकि ईद की वजह से बहुत ही ज्यादा रश था। तो कबाब जी की खास जो बात है, यहाँ पे कबाब जी वालों ने बहुत ही बड़ा स्पेस दिया है इन्होंने, क्योंकि जो साइड वगैरह में जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं जैसे कि बिक्सी हो गया, शिवारी हो गया और हैदराबाद दरबार हो गया, तो कबाब जी के बराबर में बहुत ही छोटे रेस्टोरेंट लग रहे हैं। तो भाई ये सारा जो एरिया है ये किचन का है, आप सोचे कि किचन का इतना एरिया है तो बाहर कितना बड़ा एरिया होगा। तो बच्चों के लिए इन्होंने जो प्ले एरिया बनाया है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने स्पेस दिया है ताकि वो बच्चे जो है अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे सिटिंग एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और सामने ही किचन एरिया है, किचन एरिया भी बहुत बड़ा है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और नौजवानों के लिए स्लाइड वगैरह का भी इंतज़ाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो एरिया वाइज भी ये बहुत ही बड़ा है, सिक्योरिटी भी बेस्ट है और सर्विस भी अच्छी लगी मुझे। अगर हम देखें कि एरिया के, इनके एरिया में जो रेस्टोरेंट आ रहे हैं, बिक्सी रेस्टोरेंट हो गया, शिवारी हो गया, हैदराबाद दरबार हो गया, तो रेस्टोरेंट के बराबर में ये रेस्टोरेंट मुझे अच्छा लगा। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये रेस्टोरेंट